आज हमारे देश जो आजादी मिली है, इससे पहले जो गुलामी थी, ये गुलामी के लिए हमारी जो समुद्र की रास्ता है, हमारे देश के जो समुद्री तटवर्ती इलाके हैं, जो गुजरात से लेके बंगाल तक के तटवर्ती इलाके हैं, विदेशियों ने इसी का रास्ता अपनाया था। और आज हमारे देश के तटवर्ती इलाकों में हजारों वर्षों से हमारा जो व्यापार चल रहा है, हमारे पोर्ट से, हमारे पोर्ट जो पूरे तटवर्ती समुद्री इलाकों में है, जितने सरकारी पोर्ट आज है, 12 सरकारी पोर्ट है, उसी तरह से इस पोर्ट में व्यापार करने के लिए जो हमारे पुराने कामकार जो बनाए थे जहाज, जो शिपयार्ड्स है, आज देश भर में जो सरकारी शिपयार्ड्स हैं, तो ये पूरे की पूरे तटवर्ती को हम रक्षा का जोन मानते हैं। जो हमारी सरकारी पोर्ट है, जो हमारे सरकारी शिपयार्ड्स है, उसके जरिए हमारे पूरा जो देश का जो तटवर्ती इलाका है, हम इसको मजबूत और इसको सुरक्षा मानते हैं और अपने कर्मचारियों के बल पर देश को सुरक्षा भी देते हैं। हजारों सालों से इस देश का जो व्यापार चल रहा है समुद्री तटवर्ती इलाकों से, और इस समुद्री तटवर्ती इलाकों से गुजरात से लेकर बंगाल तक के हमारे जो पोर्ट है, लाखों की संख्या में हमारे पोर्ट के कर्मचारी काम करते थे और देश के लिए अच्छी तरह से टैक्स भरते थे और पूरी तरह से वो एकदम लाभ के रूप में चलते थे। आज सरकार ने एक नई परियोजना बनाई है, सागरमाला। इस सागरमाला के परियोजना के अंतर्गत देश में सरदार ने सरकारी पोर्ट को प्राइवेटाइजेशन करने के लिए सरकारी पोर्ट के नजदीक में बाजू में ही अदानी और रिलायंस को पोर्ट बनाने के लिए, टाटा को पोर्ट बनाने के लिए अनुमति दे रही है, जिसके कारण जो है सरकारी पोर्ट जितने बंद हो रहे हैं। और आज हम देख रहे हैं कि इस प्राइवेट पोर्ट के नाते इस देश की सुरक्षा की सीमा जो है कहां तक सुरक्षा निभा सकेगी। इसलिए आज इस पोर्ट सेक्टर में जो आज चल रही है छटनी हो रही है, इस पोर्ट सेक्टर में जितने भी कर्मचारी हैं रिटायर हो रहे हैं और वहां पर भर्ती नहीं चल रही है, और सरकार बोलती है कि यहां हमको जरूरत नहीं है, नए पोर्ट खोल रहे हैं लेकिन प्राइवेट सेक्टर में, और इसकी सुरक्षा की गारंटी सरकार बोलती है मेरे हाथ में नहीं है। आज पूरे देश में पोर्ट सेक्टर में जो नई पेंशन स्कीम चला रहे हैं, इसका विरोध हो रहा है। आज पोर्ट को कॉर्पोरेशन कराने जा रहे हैं, जो पोर्ट जितने भी हैं वो पोर्ट ट्रस्ट के अधिनियम के अंतर्गत आते हैं, उसको कॉर्पोरेशन करना चाहते हैं। इस कॉर्पोरेशन के नाते ये सभी पोर्ट को प्राइवेट भी करना चाहते हैं। आज इस 12 पोर्ट में जितने भी बर्थ हैं, लंगर लगाते हैं जहाज, ज्यादा से ज्यादा जितने बर्थ है प्राइवेट व्यक्तियों को दे दिया गया है। साथियों, आज सागरमाला प्रोजेक्ट के नाते देश में जो सेठ बालचंद हीराचंद ने सबसे पहले अपने देश के लिए पहला शिपयार्ड बनाया था विशाखापट्टनम में, उसके जरिए आज डिफेंस में जितने भी सरकारी शिपयार्ड्स हैं उसको काम नहीं दिया जा रहा है। उसके बदले में इन शिपयार्डों को अदानी को दिया जा रहा है, रिलायंस को दिया जा रहा है, प्राइवेट शिपयार्ड को दिया जा रहा है, कोरिया के हिंडोई को दिया जा रहा है, जापान वालों को बुलाया जा रहा है। जिस कर्मचारियों ने आज अच्छे से अच्छे शिपयार्ड्स में अच्छे से अच्छे ड्रिल शिप से लेकर हर तरह के नौका निर्माण हम करते आ रहे थे, आज बोल रहे कि आपकी जरूरत नहीं है, हम विदेशी से विदेशियों को लाएंगे, उनके शिपयार्ड लगाएंगे, वहां पर पूरे कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम लगा रहे हैं, सरकारी नौकरी खत्म कर रहे हैं, परमानेंट नौकरी खत्म कर रहे हैं, और बहुत से कम न्यूनतम से भी कम सैलरी से कॉन्ट्रैक्ट लेवल से शिपयार्ड चला रहे हैं। ये सागरमाला के प्रोजेक्ट के अंतर्गत किया जा रहा है। आज कोचिन शिपयार्ड देखा जाए तो कोचिन शिपयार्ड में आज काम करने के लिए मजदूर तैयार है कि मुझे काम दिया जाए, सरकार काम देने में लायक नहीं है। आज विशाखापट्टनम शिपयार्ड बैठे हुए कर्मचारी बोल रहे हैं कि मुझे काम दीजिए, आज मजदूर बोल रहे हैं कि मुझे काम चाहिए,
सरकार काम नहीं दे रही है, सरकार काम दे रही है प्राइवेट व्यक्तियों को, जिससे वो करोड़ों का मुनाफा कमाए। साथियों, आज देश की जो सुरक्षा हम बोल रहे हैं तटवर्ती, हजारों नाविक आज जो है नाविक के नाम पर, सी फेरर के नाम पर, सीमेंस के नाम पर जहाजों पर व्यापार करते हैं। लेकिन आपको मैं जानकारी देना चाहता हूं, इन किसी भी नाविकों को, इन किसी भी सी फेरर्स को आज कोई भी किसी भी तरह की सामाजिक सुरक्षा नहीं है। इनको जो समुद्र में जाते हैं परिवार को छोड़कर, 6 महीना 1 साल तक जहाज में काम करते हैं परिवार को छोड़कर समुद्र में जाते हैं, विदेशों में जाते हैं, विदेशियों में जब समुद्र में जाते हैं तो समुद्री डाकू उनको मारते हैं, उनके जहाज को लूटते हैं, इनकी जान को खतरा है, लेकिन इनकी जान को कोई भी सुरक्षा प्रदान नहीं है सरकार की तरफ से। आज देश में सी फेरर्स और नाविक और सीमेंस जो है उनके लिए कोई किसी भी तरह की ग्रेच्युटी नहीं है। आज जो आईएलओ की मैरिटाइम लेजिस्लेशन जो कन्वेंशन बनाया गया है उसको सरकार आज भी लागू नहीं कर रही है पूरी तरह से। आईएलओ को बोल रही है कि हमने लागू कर दिया है। आज हम सरकार बोल रही है सामाजिक सुरक्षा सबके लिए, भविष्य निधि और ईएसआई सभी को देंगे। साथियों, मजदूर भाइयों और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं भविष्य निधि में सदस्य हूं। आज देश में सभी को सामाजिक सुरक्षा की मांग है मजदूर संघ की। सरकार बोलती है सामाजिक सुरक्षा सबको प्रदान किया जाए, लेकिन आज सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने वाले भविष्य निधि की संख्या देश के 1/3 जिलों में भी नहीं है। आज इतने लाखों की संख्या में मैं अपनी बहनें आई है आंगनबाड़ी, इनको सामाजिक सुरक्षा पीएफ देनी है। ये गांव में बसती है, लेकिन इनको अगर पीएफ के दायरे में लाना है तो गांवों तक पीएफ के ऑफिस को लेके जाना है। लेकिन सरकार जो है पीएफ ऑफिस को खत्म कर रही है, बोल रही है हमको पीएफ ऑफिस जरूरत ही नहीं है, इन्फोर्समेंट जरूरत ही नहीं है, इंस्पेक्टर जरूरत ही नहीं है। जब इंस्पेक्टर की जरूरत ही नहीं है तो इनको पीएफ की लागू कैसे होगी? कितने कर्मचारी हैं, कितने मजदूर हैं गांव में, इनको सामाजिक सुरक्षा कहां से प्रदान किया जाए? इसका कोई सर्वेक्षण किया है सरकार ने? नहीं किया है। तो आज भारतीय मजदूर संघ ये जो सामाजिक सुरक्षा सबके लिए प्रदान किया जाए मान रहे हैं हम लोग, आज आंगनबाड़ी को पीएफ दिया जाए हम लोगों ने बोर्ड में निर्णय किया है। लेकिन जो बोर्ड में निर्णय भी किए हैं सरकार आज तक कैबिनेट में मंजूरी नहीं दे रही है। इसे सामाजिक सुरक्षा जो देना है, प्रदान देना है, पीएफ डिपार्टमेंट को गांवों तक लेके जाना है, पीएफ डिपार्टमेंट में रिक्रूटमेंट चलना है, उसी तरह से नाविकों की उनकी जो सर्विस कंडीशन को बदलना है, उनको भी सामाजिक सुरक्षा देना है, सी फेरर्स को जो मैरिटाइम रेगुलेशन उसको लागू करना है, ये सब के लिए आज भारतीय मजदूर संघ देश के कोने कोने से चारों तरफ से अपने तटवर्ती इलाके में काम करते हैं। मजदूर इसे हमारे यहाँ पर आज सरकार को चेतावनी देने के लिए आए हैं कि आप अपने प्रोजेक्ट को जो है, आप अपने जो सागरमाला प्रोजेक्ट जो बना रहे हैं, सागरमाला प्रोजेक्ट के कारण लाखों की संख्या में मछुआरे भी जो है उनके हाथ से जो स्वचालित अपने कर्मचारी है उनके हाथों से काम छीना जा रहा है। इसलिए आपका जो सागरमाला प्रोजेक्ट है उसमें बदलाव आना चाहिए कि जो अपने जो इंडस्ट्री है, पोर्ट सेक्टर है, शिपयार्ड सेक्टर है और सी फेरर सेक्टर है या मछुआरे हैं, उनका जैसा भी अभी प्रोडक्शन है वो कंटिन्यू चला जाए। इसलिए आज सरकार जो है अपनी नीति बदले, अपने नीति आयोग में जो सरकारी के कर्मचारी जो जो अफसर है वो अपनी नीति बदले और सरकार को बताए कि इस तटवर्ती इलाके जो है ये मजदूर क्षेत्र ही नहीं, हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए भी सामाजिक सुरक्षा और सुरक्षा देने के प्रधान है। इसलिए देश की सुरक्षा के लिए जितना अहम महत्व तो है इस तटवर्ती इलाका, इसके अंतर्गत काम करने वाले सभी तटवर्ती इलाके स्पोर्ट सी फेरर्स और शिपयार्ड कर्मचारियों का जो सर्विस करें उसको बरकरार रखें, अन्यथा आगामी दिनों में ये सभी तटवर्ती इलाकों के मजदूर संगठित होंगे और इससे भी बड़ी ताकत से हम लोग लड़ाई लड़ने वाले हैं। ये एक चेतावनी सरकार को देते हुए मुझे ये समय दिया गया, इसलिए मैं आप सबका आभारी हूँ, भारतीय मजदूर संघ का आभारी हूँ। जय भारत, बोलो जय भारत माता की, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, दोनों हाथों से बोले भारत माता की, भारत माता की।
भारत माता की जिंदाबाद जिंदाबाद। बीएमएस जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। मजदूर 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 वंदे वंदे। अपने अपने झंडे उठा के बोलिए वंदे वंदे भारत माता की। नमस्कार धन्यवाद। झंडे जिनके हाथ में है जो झंडे उठाएंगे ये फोटोग्राफर्स इसकी फोटो लेंगे। अभी नहीं नारा बोलने के बाद ये पूरे झंडे उठने चाहिए। ये सारा कवरेज यहाँ से हो रहा है इसलिए अभी नारे जो मैं बोलूंगा मेरे साथ नारे दोहराएंगे और पूरे झंडे उठाकर हाथ उठाकर जिनके पास झंडे नहीं है वो हाथ ऐसे उठाकर नारों को दोहराएंगे। बोले भारत माता की भारत माता की भारत माता की। क्या पहचान ये व्यक्ति क्या पहचान और कौन बनाता हिंदुस्तान कौन बनाता हिंदुस्तान। वंदे 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 भारत माता की भारत माता की।